लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाइक से आए हैं भैया, काफी दूर से। अभी तो आप रखते जा रहे, उधर से बन के आते हैं और यहाँ लग जाते हैं, फिर पेंट वेंट का प्रोसेस। देखो भाई, देखते ही यहाँ पे कितने सारे भैया आ गए हैं। डीजे सेटअप्स मैं इन्हें नहीं रखते। देखो डीजे है, कोई तो है नहीं। ये दो चार दिन वहाँ देखो क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खुद इस चीज़ का आपको इंतज़ार था। इतने दिनों से मैं सफ़र पे चल रहा था और आज वो इंतज़ार मैं आपका ख़त्म करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीजे सार्जन प्रोडक्शन हाउस एंड वहाँ पे कैबिनेट कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं और कितना ताबा तोड़ मामला चलता है। जिंदगी है हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। तो भाइयों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, इतने दिनों से मैं सफ़र पे चल रहा था और आज वो इंतज़ार मैं आपका ख़त्म करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीजे सार्जन प्रोडक्शन हाउस एंड वहाँ पे कैबिनेट कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं और कितना ताबा तोड़ मामला चलता है। कितनी कैबिनेट, बहुत सारी चीज़ है और क्या क्या चीज़ बनती है, किस तरीके से बनती रहती है और कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है और कहाँ एंड होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। भाई ताबा तोड़ काम चल रहा है यहाँ पे, जो मैंने अभी आकर देखा। जब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा तो भाई गजब ही मामला हो जाएगा। और हमारे भाई हमारे साथ में हैं, चलो दिखाते हैं आपको शुरुआत। यहाँ पे ये चीज़ तैयार होकर आ जाती है, यानी उधर पूरी तैयार हो चुकी है और इधर तैयार होकर आ जाती है। उसके बाद में इन पर शायद पेंट वगैरह होता है। पेंट होने के बाद में ये सारे कैबिनेट सूख रहे हैं, ये देख रहे हो, ये बन गए हैं। और उसके बाद में इनको जो जरा मरासी जगह होती है उसको भरा जाता है। उसके बाद में ये पेंट होते हैं ब्लैक कलर का और यहाँ लाइन से लग जाते हैं सुखाने के लिए। यहाँ पे शायद सारे में ही लगे रहते हैं जो सूखने का टाइम होता है इनका, यानी सुखाने हैं। जैसे धूप में सूख जाएँ वो, तो इस तरीके से यहाँ पर लगाए जाएंगे। और देखो कितनी संख्या में लग रहे हैं भाई, ये सारे कैबिनेट ही हैं खाली स्पीकरों के, यानी बेस वगैरह जो भी है तीन बेस के लिए। और देखो ये चीज़, ये देख ले, अब बढ़िया एकदम पेंट वेंट करके एकदम सेट रखा कर जाता है इसको अच्छी तरीके से। इसमें क्या है, जनरेटर है इसमें? नहीं, कैबिनेट ही है इसमें भी भाई, इसमें भी कैबिनेट ही है। और ये भी कैबिनेट लगाने जा रहे हैं वो, तो कैबिनेटों को लगाने के लिए ये सारी चीज़ लेकर जा रहे हो भाई, इतने सारे कैबिनेट का। देखो ये सारा काम चल ही रहा है, उधर भी काम चल रहा है, तो वहाँ यहाँ ये सारा काम कैबिनेट का चलता रहता है। भाई साहब देख रहे हो, दिन ब दिन कितने कैबिनेट बनाए जाते हैं, कोई गिनती नहीं है। और प्रोडक्शन हाउस, वो रहा प्रोडक्शन हाउस भाई, प्रोडक्शन हाउस भैया का यहीं पे है और ये सारा सामान रखा हुआ है, जो कि कंटिन्यू काम चला है कंटिन्यू। वहाँ पे कम से कम 10-15 जने, 20 जने वहाँ पे लग रहे हैं, 3-4 बंदे यहाँ पे लग रहे हैं और बाकी सब अंदर लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक भी दिन काम रुकता है, काम कंटिन्यू डेली तावा तोड़ इसी तरीके से चलता है, जिस तरीके से आज आपको चलता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ होती है यहाँ कैबिनेट बनाने के लिए। और जब लास्ट टाइम में कैबिनेट ट्रक व्रक में लोड हो रहे थे, वो शायद दूसरी साइड से लोड हो रहे थे, तो वो भी आपको बता देते हैं। वो हो रहे थे वहाँ पर लोड, लोडिंग की जो प्रक्रिया चालू थी वो वहाँ पर हो रही थी। अभी उस साइड भी जाएंगे और कैबिनेट जब बन जाते हैं उनको इस तरीके से कवर कर देते हैं जिससे वो गीले ना हो। और देखो ये सारे कैबिनेट के ही पार्ट पड़े हुए हैं। देखो भाई हमारे भाई साहब यहाँ बैठ के ही अपना काम करने लग रहे हैं, वहाँ ऑपरेटिंग और यहाँ पे अब नपाई तुलाई चल रही है कि किस तरीके से सारी चीज़ होगी। तो इसी तरीके से सारे भाई काम में लगे हुए हैं। देखो भाई साहब, देखो ये सारे भाई काम में लगे हुए हैं, ये अपने अपने सारे काम करते जा रहे हैं, उधर भी वो काम कर रहे हैं, इधर भी। तो ये सारे कैबिनेट तैयार होकर फिर उधर जाएंगे, पेंट होंगे। इस तरीके का प्रोसेस यहाँ चलता रहता है पूरे दिन यही प्रोसेस चलता रहता है पूरे दिन, तावा तोड़ तरीके से। देख रहे हो भाई, नपाई होती रहेगी, एक एक की नपाई होकर उधर जाता रहेगा, उधर जाकर कटिंग होगी, फिर जाकर कटिंग होकर फिटिंग होगी, सारी चीज़ इस तरीके से चलती रहेगी। शुरुआत यानी कहाँ पहले जो बड़ा वो होता होगा वहाँ से कटिंग होने से होती है, फिर उसके बाद यहाँ फिर कटिंग, बहुत सारे प्रोसेस है भाई, बहुत सारे प्रोसेस है। अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, पहली बार ऐसा कुछ दिखा रहे हैं और पहली बार ही हमने ऐसा कुछ देखा है कि भाई इतने तगड़े तरीके से कहीं पे काम चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये कटिंग चल रही है तावा तोड़ तरीके से। ये देखो भाई साहब, कुछ हिस्सों के इधर आ रहे हैं, कुछ उधर जा रहे हैं,
बराबर होकर चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे ये सारी इतनी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं जो भाई बिल्कुल काम रुकना नहीं चाहिए, पहले ही माल पैक रखा होता है, इतना माल रखा है भाई जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसको आप तैयारी कर सकते हो, एनी टाइम तैयार रहता है, देख रहे हो। यानी कि किसी तरीके से भी भाई काम के लिए माल की कमी नहीं है यहाँ पे, माल पूरे दिन इसी तरीके से रहता है, जो बेकार है वो इधर आ जाता है कबाड़े में। और इधर कुछ गाड़ी लोड हुई थी जो उस टाइम पे लोड हुई थी, वो इधर गाड़ी लोड हुई थी, और यहाँ पे प्रोडक्शन हाउस, वहाँ पे अपनी लक्ष्मी खड़ी है। तो इस तरीके का कुछ माहौल है। और देखो भाई, देख रहे हो वहाँ कितने कैबिनेट बनाए जा रहे हैं। कैबिनेट के अंदर का मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कि नहीं दिखानी चाहिए, तो उनकी भी बात रखनी चाहिए भाई। पूरी आपको एक एक जानकारी मिल रही है कि कहाँ से कहाँ क्या चीज़ चल रही है, देख ही रहे हो आप। ये देखो सारे जने बैठे हुए हैं, ये आरा मशीन भाई परमानेंट लगी हुई है भाई साहब, इतना माल। मैं कहता हूँ भाई, जो कुछ लोग हैं जो गलत बोल लेते, मैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, गलत मत बोलो, जितना माल यहाँ बनना है ना होगा भी नहीं, तो ठीक है। जब भी भाई मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं किसी को इस वीडियो में ट्रोल कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा काम है भैया का, हमेशा ऐसे ही काम चलता रहे बढ़िया तरीके से, ताबड़तोड़ और आगे बढ़। यहाँ पे चल रहा है ताबा तोड़ कैबिनेट का मामला, बनते जा रहे और यहाँ आके रखते जा रहे, उधर से बन के आते हैं और यहाँ लग जाते हैं, फिर पेंट वेंट का प्रोसेस जो भी होता है यहाँ पे आने के बाद शुरू होता है। और इधर हमारे भाई साहब व्लॉग बना रहे हैं और साथ में मैं भी बना रहा हूँ, लाइव में डिमांड चल रहा है। हाँ भाई मैं आ चुका हूँ, हेलो भाइयों, मैं भाई के साथ आ चुका हूँ। तो अभी देखो भाई, यहाँ पे इस तरीके से भाई आते रहते हैं साउंड लेने। अभी ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी कैबिनेट वगैरह दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हो भाई आप? जमशेदपुर से हैं। चांडिल यहीं आसपास से ही। हाँ जमशेदपुर से जानते होंगे ना? मैं नहीं जानता, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा, बाइक राइड करके भैया से मिल रहे, गाजियाबाद ये दिल्ली NCR के पास में, तो वहाँ से आया हूँ मैं 15-10 किलोमीटर की राइड करके। और भैया से मुलाकात, क्योंकि अभी हरिद्वार कावड़ यात्रा में भैया गए थे, तो जब से भैया से बातचीत थी तो मैंने कहा चलो एक बार मुलाकात करते हैं। वैसे कैसा लग रहा है आपको भी? बढ़िया, ठीक है, ठीक है। पहले आपने लिया है यहाँ से? लिया फर्स्ट टाइम ही आए हो। तो भाई देखो इस तरीके से भाई आ रहे हैं और मिल रहे हैं तरीके से, और सभी जने आते जा रहे हैं। इधर भी देखो भाई कितने सारे भाई आ रहे हैं, और ये सारे भाई आकर मिलेंगे, और जिस तरीके से भी होगा मैं आपको पूरी डिटेल देता रहूँगा। माहौल कैड़ा बनता जा रहा है यहाँ पे धीरे धीरे करके भाई, मज़ा आ रहा है इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, और इस तरीके से एक्सप्लोर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो भाई, देखते ही यहाँ पे कितने सारे भैया आ गए हैं, और ये सारे भाई आ गए हैं उधर, ये वो हैं जो अभी देखने आए हुए हैं, उधर जो काम चल रहा है वो एक अलग वे में चल ही रहा है, और इधर भाई आए हैं देखने के लिए और कुछ सामान खरीदने के लिए। ये कहीं से बुलाए हुए भाई नहीं है कोई भी, ये अपनी मर्ज़ी से आए हुए भाई है। अगर ये कहा जाए कि बुलाए हुए नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से जो आते हैं ना भाई, वो ये वो प्यार है जो अपने आप इन सारे भाइयों को इधर खींच कर लाता है DJ प्रोडक्शन हाउस में, तो वो प्यार है ये, तो देख लो भाई। और उधर हमारा सुमित भाई अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहा है ताबा तोड़ तरीके से। और देखो यहाँ पे ये नारियल के पेड़ हैं या किस चीज़ के पेड़ हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ये वाला प्रोडक्शन हाउस आपने अभी तक काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, हमारी वीडियो में भी आपको फाइनली देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से निकलकर अब जा रहे हैं हम अपना ऑफिस की तरफ, यानी प्रोडक्शन हाउस जो है इनका प्रॉपर। क्या दिखाना है इधर? अच्छा भाई साहब देख रहे हो, और यहाँ पे देखो ये लाइनर, इन्हें क्या कहते हैं, लाइनर कहते हैं इन्हें, HF लगे हुए हैं पूरे, लेकिन ये वाले शायद
ऐसे ही है, इन पे कुछ हो गया उधर सरकारी नल जिस पे सब मुँह धोकर आ रहे हैं। और जो अब एंट्री होगी हमारी यहाँ पे होगी, ये देख सकते हो आप, और अब आप इसे देखकर समझ सकते हो वहाँ से पेंट होकर यहाँ पे आ रही हैं। और ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे, देखो हो गया है से पता नहीं। यहाँ पे देखो भाई, इतनी सारे कटर रखे हुए हैं कि काटने के लिए तेजस बहुत भाई, बहुत तेजस। हाँ तेजस ही दिखना है भाई को, कौन भाई है दिखाना एक बार कमेंट में, तेजस देखने की बहुत डिमांड है। नाम बताओ। ये देख रहे हो ये कैबिनेट बने हुए क्या, ये शायद चार साउंड वाले कैबिनेट हैं और बाकी सारे वहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत सारे रखे हुए हैं भाई, बहुत सारे। और यहाँ पे देखो ये सब तैयारी चल रही है, ये तैयारी चल रही है। और ये शायद तेजस है या कौन सा है, अभी आपको बताएंगे कि कौन सा जनरेटर यहाँ से गया। भैया का डिमांड है, आप उस डिमांड को पूरा कीजिएगा। क्या क्या, तो देखो भाई ये यहाँ से हमने एंट्री करी, यहाँ से एंट्री करी, यहाँ से एंट्री करने के बाद में आप इधर आ जाओ, ये भी सारे कैबिनेट बने रखे हुए हैं, सारे ही कैबिनेट है भाई। ये बेस की कैबिनेट हैं जो बेस चलती हैं। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ अलग ही दिखाते हैं, ये वो कैबिनेट हैं जो कांवड़ यात्रा में बजे हैं, ये बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, इनको यूज़ नहीं किया जाता है। सारे कैबिनेट नए हैं जो कि अलग ही बनाए जाते हैं और अलग ही तैयार होते हैं। और भाई साहब ये तैयार होकर इन्हीं में जो नया माल लगता है वो इनमें लगता है, वो ऐसे ही भैया का पूरा सेटअप है, वो हमेशा इसी तरीके से रखा रहता है। जब भैया को कहीं जाना होता है तो जब उसको यूज़ करते हैं, वरना तो वो अपना माल किसी को नहीं देते हैं। और ये हैं डीजी, ये डीजी हैं, ये है, ये है, ये है, एक डीजी वहाँ पे है जो डीजी जनरेटर हमारे यहाँ जनरेटर कहते हैं, तो ये है वो भाई साहब, ताबा तोड़ा है देख रहे हो। तो भाई काफ़ी सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, मेरे को भी फ़ोन्स आ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ डीजे सार्जन प्रोडक्शन पे खड़ा हूँ। काफ़ी भाइयों को पता हुआ है क्योंकि लाइव में अभी सुमित भाई आए थे तो सबको पता चल गया। अब मैं आपको ये वाला फिर से एरिया एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये सारा सेटअप रखा हुआ है, ये कैबिनेट्स हैं जो कि तैयार होकर डेली कंटिन्यू जाते रहते हैं। ये सिर्फ ये वाला वो माल है जो कि उसमें गया था कांवड़ यात्रा में और वो कंटिन्यू ऐसे ही रखा रहता है। और ये सारे के सारे कैबिनेट्स हैं, सारे ही कैबिनेट्स, यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक भी आप जाओगे कैबिनेट ही कैबिनेट आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे एम्प रखे हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सारे कैबिनेट लगे हुए थे और अब भाई सारे के सारे लेकर जा रहे हैं यहाँ से, जिस तरीके से कैबिनेट लगे हुए हैं, ये अलग साइज़ के हैं, ये अलग साइज़ के हैं, और ये अलग साइज़ के हैं, फिर ये अलग साइज़ है, वो ये किस चीज़ के लिए होते हैं, चार वाले, चार पंद्रह के लिए होते हैं भाई वो। तो सारी चीज़ अलग अलग कैबिनेट बन के रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ एच एफ रखी हैं, ये देख लो, ये ऊपर लगी हुई देखते हो भाई, ऊपर लगी हुई मैंने भी देखी, काफ़ी सारी वीडियोस में देखी है मैंने एच एफ। अब तो पता चल गया नाम, धीरे धीरे पता चल जाएगा आने वाले टाइम में, और अच्छी तरीके से पता चलता रहेगा। ये देखो कैबिनेट पर कुछ इस तरीके का नाम लिखा होता है, अरे ये हटता नहीं है इतनी ईजीली, ठीक है ना, हटेगा नहीं। और यहाँ पे भीड़ देखो, देखो भाई ये बुकिंग की भीड़ नहीं है, ये केवल लेके जाने वालों की भीड़ है। तो इस तरीके का कुछ माहौल बनता हुआ। और यहाँ पे ये ही लगेंगे इसमें, सॉरी 18 इंची के लगेंगे इसमें, वो 4 18 इंची है और वो आगे 15 इंची वाले तैयार हो गए। देखो आगे चल के दिखाता हूँ एक बार आपको, यहाँ पे वायरिंग चालू हो चुकी है। तावा तोड़ मामला चल रहा है। और ये है स्टेपलर, देखो ये ऑडिटोन के खाली हुए स्पीकर, स्पीकर के। और अभी ये धीरे धीरे ढेर बढ़ जाएगा जैसे जैसे गत्ते खाली होते जाएंगे, ढेर कहाँ से काम होतेगा, क्योंकि आज लगभग 3 सेटअप्स जाने वाले हैं, 3 जो अभी मुझे पता चला है, अभी 3 सेटअप अभी जाने वाले हैं
तो मैं सोच रहा हूँ उनकी टेस्टिंग आपको सुना दूँ, उसके बाद यहाँ से जाऊँ और जब किसी की चीज़ों को करूँगा। भैया ने भी मुझको बोला कि भाई आप आए हो तो अच्छी तरीके से सेटअप्स की वीडियो लेकर जाना, तो ये चीज़ हम करके जाएंगे। आए हैं तो ऑब्वियसली भाई यही चीज़ आप सबको दिखानी है तो दिखाएंगे ज़रूर। हमारे यहाँ के भैया एक है, हमारी वीडियो देखते हैं, उन्होंने बोला है कि वो अगर 8 बेस का एक सेटअप बनाना चाहते हैं तो यहाँ के स्पीकर कैसे रहेंगे, तो वो सारी जानकारी हम देंगे बिल्कुल कि भैया किस तरीके का रहेगा आपका सेट। फाइनली पहले सेटअप की टेस्टिंग होने की प्रक्रिया अब चालू हुई है। जो 15 इंची के सेटअप्स बने हैं, 15-3 के जो है उसकी जो टेस्टिंग है उसका टाइम आने वाला है। भाई ये देख सकते हो आप सामने, ये पूरा लग चुका है यहाँ पे, और अब इसके अलावा जो लगा हुआ है वो ये सामान खुला है, स्टेपलर और यहाँ निकल रहे एम्प, ये देख लो। हाँ तो ये चार हैं और ये सेटअप। अभी जब टेस्टिंग होने वाली है ना भाई, तो टेस्टिंग आपको सुनाने वाले, टेस्टिंग का मामला थोड़ा जहरी रहने वाला है भाई। टेस्टिंग ही बेहतरीन देखनी है, सबसे मेन पर्पस हमारा टेस्टिंग देखना है, तो टेस्टिंग देखते हैं कैसी होती है। भाई मुझे पता है कि नेक्स्ट लेवल होनी है, लेकिन एक बार देखना ज़रूर बनता है। और अभी 21 इंची की टेस्टिंग भी होगी, वो भी आपको सुनाएंगे। बहुत सारी टेस्टिंग है भाई, बहुत सारी टेस्टिंग, सारी टेस्टिंग सुनाएंगे और सारा जो अपडेट है धीरे धीरे बढ़िया तरीके से ताबा तोड़ तरीके से देंगे भाई। और एक वो गाड़ी आपको खड़ी दिखाई दे रही है, वो नीली वाली गाड़ी जो डीजे सार्जन वाले भैया की है ही। तो यहाँ पे देखो, ये देखो फिटिंग शुरू हो चुकी है और तावा तोड़ मामला बचते हुए भाई जो फिटिंग भाई सारी फिटिंग चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई मैंने भी एक वीडियो में पहले ही बोला था भाई कि डीजे सेटअप्स मायने नहीं रखते। देखो डीजे यहाँ कोई तो है नहीं, ये 2-4 दिन वहाँ देखो क्यों है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खुद भैया है, यानी कि डीजे सार्जन वाले भैया हैं हमारे, वो वहीं पे हैं, तो सारी भीड़ भाई अंदर ही घुसी हुई है, ना कि डीजे सेटअप देखने में। भाई मैं आपको कह चुका हूँ कि डीजे सेटअप है, अपनी जगह पे है, इंसानियत है। उनकी कुछ बातें ऐसी हैं कि भाई उनके पास ही लोग वाग प्रेफर कर रहे हैं ना, वहीं खड़े हो रहे हैं, तो वह चीज़ एक बहुत ही हटके होती है भाई। देखो आप भाई वहाँ खड़े, बताओ पब्लिक वहाँ है सारी की सारी, सेटअप यहाँ लग रहा है तो सेटअप देखने के लिए कोई नहीं खड़ा। भाई देखो जाली लगाई जा रही है और जाली दिखाई जा रही है कि कौन सी जाली आपको लेनी है। ये देखो ये वाली सब पे ये लगे, ये लगने वाली है, ये लगवाने वाला टाइगर चलेगा झारखंड का, झारखंड में सिर्फ टाइगर ही चलेगा, यहाँ पे ज़्यादातर यही चलता है भाई। और इसे देख के वैसे भी पता चलता है कि हाँ किसका यहाँ का सेटअप है, ज़्यादातर इसको देख के ही पता चल जाता है कि कहाँ का सेटअप है। और ये 18 इंची है, मैंने शायद 21 इंची बोला हो, तो ये 18 इंची की तैयार हुए हैं 8 बेस, उस 8 बेस के साथ बाद में ये वाली टेस्टिंग 18 बेस की जब सुनी जाएगी भाई, जब तावा तोड़ बचेगा 8 बेस है। असम में इसकी लगे ये वाली जाली फिट होने वाली है, सुनना लुक इसका एकदम भाई अलग निकल कर आ रहा है इस तरीके। What?
देख रहे हो दावा तोड़ तरीके से सारे पे ये वाली जाली लग चुकी है, ये देखो। और इस जाली पे ये और देखो सब पे लग चुकी है और सारे जने लग गए हैं दावा तोड़। ड्रिल मशीन ले लेकर भाइयों का काम शुरू हो गया है। ये देखो तोड़ पेच कस दिए सबने, देख रहे हो सारी पीले वाली जाली टाइगर वाली सारी जाली लग चुकी है, यानी कि 18 इंची वाले अभी तैयार हो चुके हैं। बस इसके बाद अभी 15 इंची टेस्टिंग होगा, उसके बाद 18 इंची की टेस्टिंग का टाइम आ गया है। कुछ हेड़बेड़ होगा और इसके साथ जो वोल्टेज मीटर लगे हुए हैं वो इस तरीके का, देख रहे हो जब तक इस आपके साथ जा रहा है भर जाता होगा दो दिन में ही। गत्ते से तो दो दिन में ही भर लेते होगा कमरा भी, इससे तो खाली दो दिन में ही भर देते होगा कमरा भी। एक नहीं कभी कभार ये रहता है सारा सामान कैबिनेट भी तो भरने में लेट लगता है ना। अच्छा भैया लगे पड़े हैं, भाई भैया के पास तो काम बहुत है तो हम अपना वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि भैया काम में लगे पड़े, बहुत सारे लोग हैं जिनको सारों को हैंडल करना है। लाइक सब्सक्राइबर कर दो ना लाइक सब्सक्राइब कर दो। बाइक से आए हैं भैया काफ़ी दूर से, अभी तो आपकी बाइक राइड मांग रहे हैं सब एक बार छोटी सी। नहीं 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 अच्छा मेरा बाइक आपका बाइक रात को मिले अभी मिलो एक बाइक राइड हो मांग रहे हैं तो बाइक राइड होगी एक छोटी सी करेंगे ये कन्फर्म है। और यहाँ पर लगेंगे अभी 8 बेस यानी कि 8 बेस 18 इंची वाले वो वहाँ पे लग चुके हैं, यहाँ पे तैयार होंगे।